गाइस वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शिलता। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं हमारे घर में होने वाली है छोटा करके लक्ष्मी पूजा। जी हाँ, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे करने वाली हूं। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि करेंगे नहीं करेंगे, फिर लास्ट में फाइनल डिसीजन ये लिया कि नहीं, छोटा करके ही सही, हम लोग इस बार घर पे लक्ष्मी पूजा करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हम लोग बंगाली हैं, आप लोगों को पता चल ही गया है पहले से ही कि हम लोग बंगाली हैं। बंगाली में क्या होता है, अष्टमी जो दुर्गा अष्टमी होती है उसके एक हफ्ते के बाद ही हर घर में लक्ष्मी पूजा करी जाती है। तो इसीलिए हमने भी सोचा हमारे घर में भी होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन एकदम करना शुरू कर दिया है। जो कि क्योंकि पता है हम लोग बाहर रहते हैं तो छुट्टी वगैरह हमें नहीं मिलती है, तो मेरे हस्बैंड को नहीं मिलती है, तो बस सैटरडे को टाइम मिला था क्योंकि पूजा इस बार संडे को थी। तो इसलिए सैटरडे को मेरे हस्बैंड सुबह चले गए थे मार्केट वगैरह करने, जो भी फ्रूट्स है, माता जी की जो फ़ोटो फ्रेम है, एंड ऑल्सो जो भी लगेगा थोड़ा बहुत जो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा नहीं रहते, तो बंगाली के सारे सामान तो यहाँ पे नहीं मिल सकते, तो जितना भी मिल सकता है उतना हमने मेरे हस्बैंड लेकर आए। फिर मैं दोपहर को उसे सुला के, चिकू को सुला के फिर मैं गई थी, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो थोड़ा बहुत लेकर आई। तो आने के बाद शाम के टाइम पे मैंने सोचा कि हाँ, उसी टाइम पे मैं बेबी को खाना वगैरह सब खिला देती हूँ। हमने भी चाय वगैरह पी ली, तो बेबी को मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे, देन मैंने भी जितना साफ़ सफाई करना था पूरा मंदिर साफ़ किया, देन बर्तन को साफ़ करके रख दिया, एंड ऑल्सो फ्रूट्स वगैरह सब धो के रख दिए। जो भी ऑर्गेनाइज़ करना है वो कल एकदम सामने सब कुछ रख दिया था, सब कुछ हो गया है। वो करने के बाद सोचा कि घर में तो थोड़ा बहुत खाना, मतलब स्पेशल कुछ बनता है लक्ष्मी पूजा के टाइम पे स्पेशली, मतलब जो तिल के लड्डू होते हैं, एंड ऑल्सो मुरमुरे के लड्डू होते हैं, पोहा के लड्डू होते हैं, ये सब घर में बनते हैं, मेरे मायके में तो बनता ही बनता है, मम्मी बनाती है। फिर नारियल के लड्डू तो कॉमन चीज़ है, ये तो बनता ही है, पर इतना कुछ मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि छोटा बेबी है और मैंने इतना कुछ शॉपिंग भी नहीं किया है। इस टाइम पे हमारे घर में ये फर्स्ट टाइम ऐसी पूजा हो रही है, तो मैंने सोचा ठीक है, हम लोगों के खाने के लिए मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। जो मुरमुरा का लड्डू है, घर में सामान सब कुछ है, तो उस वही बना लेती हूँ। और भगवान जी को इस बार मैं, हम लोग बाहर से ला के ही जो होता है वो देते हैं, पर भगवान जी से यही ज़रूर दुआ करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग घर पे ही ऐसा कुछ बना के भगवान जी को पूरा, मैं अपने हाथों से घर पे भोग बना के भगवान जी को दे पाऊँ। तो यहाँ पे मुरमुरे के लड्डू की प्रिपरेशन चल रही है, तो मुरमुरे को मैंने थोड़ा रोस्ट करने के लिए रखा है जैसे आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे ये जो जीरा होता है क्यूमिन सीड्स, इसे रोस्ट करके इसे थाली में लगा दिया है और अच्छे से थोड़ा क्रश कर रही हूँ, ताकि जब आप लड्डू को बाइट दोगे तो ये जो क्यूमिन सीड्स का जो फ्लेवर है ये आपके मुँह में जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रही हूँ स्टील का, मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ जितना प्लास्टिक का उसे रिप्लेस करके स्टील का लाने की, तो स्टील का यहाँ पे कंटेनर मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद ये रख दिया है कि लड्डू बन के इसमें रखूँगी, एंड देन ये गुड़ लिया है, गुड़ से ही बनाऊँगी मुरमुरे के लड्डू। तो क्यूमिन का सीड्स तो मैंने अच्छे से क्रश कर लिया जैसे आप लोग देख रहे हो, एंड देन मैं कोशिश करूँगी ताकि जो मुरमुरा है वो एकदम क्रंची एकदम रोस्ट करने का, ताकि जब आप लड्डू को बाइट दोगे तो एक क्रिस्पी सा आपको फ्लेवर आएगा, एंड ऑल्सो बाइट भी होगा, तो बहुत टेस्टी एक अच्छा फ्लेवर आएगा। तो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करके पोंछ के रख दिया है। ये भगवान जी के लिए ही बने प्रसाद या फिर हम लोगों के लिए ही बने, बेबी के लिए ही बने, तो साफ़ सुथरा हाइजीन के बारे में तो हमें सोचना ही सोचना चाहिए। तो गुड़ को मैं एकदम डायरेक्ट गैस में नहीं डालूँगी, उसे मैं आराम से ग्रेट करूँगी ताकि वो अच्छे से गल भी जाए, अच्छे से वो मिक्स हो जाए, एंड एक अच्छा सा जो लचीलापन होता है लड्डू बनाने के लिए, जो बाइंडिंग लगता है वो आ जाए। तो जैसे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में अच्छे से पानी, थोड़ा सा पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो गुड़ को अच्छे से मैंने पिघला लिया है, क्योंकि ये गुड़ एकदम आपने देखा था दानेदार था, तो अच्छे से मैंने पिघला दिया है। उसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। तो ये इसको थोड़ी देर, 4 से 5 मिनट तक इसे थोड़े से अच्छे से चलाना है, ताकि वो एक तार की जो लाइन है वो अच्छे से बन जाए। और वहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी भी रखा है, कि आप दूसरे तरीके से भी इसे टेस्ट कर सकते हो। एक बूंद मैं बाउल में रखूँगी, अगर ये तैर के ऊपर आ जाता है डैट मीन्स आपका जो बाइंडिंग है वो रेडी है, अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ी देर और चलाना पड़ेगा। तो मेरा अब तक नहीं आया है, मैं इसे टेस्ट करते करते इस पानी को पूरा गुड़ में मिला रही थी।
सो ये है इसका फाइनल टच, पूरा अच्छे से मिक्स करवा दिया है एंड सो घी एंड बाउल में पानी रखा है, लड्डू बनाने के रेडी है। तो नेक्स्ट एपिसोड आपको कल देखने को मिलेगा।